सो है गाइज, तो आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइज हमारे गेम के अंदर पोकर M40 गन स्किन कब रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, इसका 200% कंफर्म डेट क्या होने वाला है और एक इस इवेंट में आएगा इसे निकालने के लिए टोटली आपको कितना डायमंड लगेगा। इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में तो गाइज आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। तो गाइज वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में। तो गाइज हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी कोबरा इबो बंडल रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिलेगा। तो गाइस इसी टोकन व्हील इवेंट में हमें गोलवाल का स्किन भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस। तो गाइस ये वाला गोलवाल का स्किन भी हमें इसी टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिलेगा। इसके साथ में हमें कटना का स्किन देखने को मिलेगा। तो गाइस ये वाला कटना का स्किन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद हमें पेन का स्किन देखने को मिलेगा, जो कि हमें इसी टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिलने वाला है। अगर आप कोबरा इबो बंडल निकालना चाहते हो गाइस, जिसे निकालने के लिए टोटली आपको 2000 से लेकर 3000 डायमंड लग जाएगा। अगर आप कला का अच्छा रहा तो इसके बीच में निकल जाएगा, वरना आप कितना डायमंड लग जाएगा। तो गाइस कोबरा इबो बंडल हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी न्यू बो स्कार गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जिसका रिव्यू की बात करें तो यहाँ पर हमें लेवल 1 पे हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, बट लेवल 1 का लुक अभी रेडी नहीं हुआ है। उसके बाद हमें लेवल 2 पे हमें किल अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है। लेवल 3 पे हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला लुक हमें 3 लेवल करने के बाद देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में हमें लेवल 4 करने के बाद हमें हीट इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में हमें लेवल 5 करने के बाद हमें किल इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। अगर आप इनमी को किल करते हो तो गाइस इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में इसी 5 लेवल में हमें फायरिंग इफेक्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में लेवल 6 करने के बाद हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला लुक हमें लेवल 6 करने के बाद देखने को मिल जाएगा, जिसका लुक काफी खतरनाक दिख रहा है। तो इसी के साथ में लेवल 7 करने के बाद हमें इस बोगन का फाइनल लुक देखने को मिलने वाला है, जिसका एनिमेशन काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इस बोगन का लुक भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला लुक हमें लेवल 7 करने के बाद देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में इसी 7 लेवल में हमें इसका इमोट देखने को मिलने वाला है, बट इसका इमोट अभी रेडी नहीं हुआ है। तो गाइस इसका इमोट भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। जब इसका इमोट रेडी हो जाएगा तो गाइस आने वाले वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ। तो इसी के साथ में लेवल 8 करने के बाद हमें इस बोगन का फाइनल शॉट देखने को मिलने वाला है, बट फाइनल शॉट भी रेडी नहीं हुआ है। तो गाइस फाइनल शॉट भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। तो गाइस इसी 8 लेवल में हमें स्पेशल साउंड देखने को मिलने वाला है, जो कि ओरिजिनल और स्पेशल में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसी बोगन का इतना ही रिव्यू था। इसी के साथ में बात करते हैं मार्च मंथ का बैया पास का रिव्यू के बारे में। तो गाइस मार्च मंथ का बैया पास मेढक के थीम पे होने वाला है। तो गाइस मार्च मंथ का बैया पास का बैकग्राउंड लुक यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इस बैया पास में हमें लूट बॉक्स का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद हमें स्काईबोर्ड का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि ये भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला स्काईबोर्ड का स्किन हमें इस बैया पास में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हमें ग्रेनेड का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ में हमें SMG गन का स्किन भी देखने को मिलने वाला है, जो कि इसी मार्च मंथ के बैया पास में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में और एक रिवार्ड देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर, बट ये लूट बॉक्स का स्किन है या फिर बैकपैक का स्किन है ये तो पता नहीं चल रहा है। शायद से ये बैकपैक का स्किन हो सकता है, ये क्या हो सकता है आप कमेंट करके बता देना। इसी के साथ में हमें इसी बैया पास का मेल बंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस यही मेल का बंडल हमें इसी मार्च मंथ का बैया पास में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हमें फीमेल का बंडल भी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये वाला फीमेल का बंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ में हमें इस बैया पास में हमें इमोट देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर इसका इमोट भी देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इस मार्च मंथ का बैया पास में हमें कुछ इस तरह का रिवार्ड देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ में बात करते हैं अप्रैल मंथ का बैया पास का रिव्यू के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड लुक इस बैया पास का देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस बैया पास का लोगो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि ये भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इसके साथ में हमें इसी बैया पास में हमें स्काईबोर्ड का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ में हमें ग्रेनेड का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें इसी बैया पास में देखने को मिलेगा, जो कि ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ में हमें G18 गन का स्किन देखने को मिलेगा, बट इसका एंट्रीब्यूट अभी रिवील करके नहीं आया है। तो गाइस इसका एंट्रीब्यूट भी बहुत जल्दी रेडी करके हो जाएगा। इसी के साथ में हमें बैकपैक का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद हमें गुलवाल का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला गुलवाल का स्किन हमें इस बैया पास में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इस बैया पास में हमें मेल का बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ में हमें फीमेल का बंडल देखने को मिलने वाला है, तो गाइस ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इस बैया पास में हमें कुछ इस तरह का रिवार्ड देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ में बात करते हैं
डिलीवरी मंथ का भैया पास का रिव्यू के बारे में। तो गाइस भैया पास का बैकग्राउंड लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस कुछ इस तरह का बैकग्राउंड लुक होने वाला है फरवरी मंथ का भैया पास में। उसके बाद हमें ट्रोगन गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें इसी फरवरी मंथ के भैया पास में देखने को मिलेगा। उसके बाद फरवरी मंथ का भैया पास का लोगो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि ये भी काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ में हमें लूट बॉक्स का स्किन देखने को मिलेगा, तो गाइस ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि ये भी काफी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद इस भैया पास का बैकग्राउंड एनिमेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, तो गाइस ये वाला एनिमेशन भी काफी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद स्काईबोर्ड का स्किन देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला स्काईबोर्ड का स्किन भी हमें इसी भैया पास में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हमें ग्रेनेड का स्किन देखने को मिलने वाला है, ग्रेनेड का स्किन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि ये भी काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ में हमें बैकपैक का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद हमें गुलवाल का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला गुलवाल का स्किन हमें फरवरी मंथ के भैया पास में देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें मेल का बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला मेल का बंडल फरवरी मंथ का भैया पास में रहने वाला है। तो गाइस इसी के साथ में इसी मेल का फीमेल बंडल भी देखने को मिलेगा, जो कि इसी मेल का बैकग्राउंड में देख सकते हो गाइस। तो गाइस ये वाला फीमेल का बंडल भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस यही सब रिवार्ड देखने को मिलने वाला है फरवरी मंथ के भैया पास में। तो इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी स्कॉर्पियो ईवो बंडल रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिलने वाला है। अगर आप इसे निकालना चाहते हो गाइस, इसे निकालेंगे टोटली आपको 2000 से लेकर 3000 डायमंड लग जाएगा। अगर आप कलर अच्छा रहा तो इसके बीच में निकल जाएगा, वरना आप कितने डायमंड लग जाएगा। तो गाइस बात करते हैं हमारे गेम के अंदर पोकर MP40 गन स्किन कब रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हमारे गेम के अंदर पोकर MP40 गन स्किन किस इवेंट में आएगा। तो गाइस ये हमें टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिलने वाला है। अगर आप पोकर MP40 गन स्किन निकालना चाहते हो, जिसे निकालने के लिए टोटल आपको 3000 से लेकर 4000 डायमंड लग जाएगा। अगर आप कलर अच्छा रहा तो इसके बीच में निकल जाएगा, वरना आप कितने डायमंड लग जाएगा। तो गाइस बात करते हैं हमारे गेम के अंदर पोकर MP40 गन स्किन कब रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस इसका 200% कंफर्म डेट बताने से पहले, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर कॉल को जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके। तो गाइस पोकर MP40 गन स्किन हमारे गेम के अंदर 16 जनवरी को देखने को मिलने वाला है, जो कि 100% कंफर्म डेट है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो गाइस मिलेंगे आने वाले वीडियो में।